स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस का 2012 का क्वेश्चन पेपर, और देखेंगे हम कि 2012 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आउटसाइड का, यानी ये दिल्ली का पेपर नहीं है, लेकिन ये है हमारी एनसीईआरटी बुक से। मैंने इस पेपर को इसलिए लिया है क्योंकि ये ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। तो मेन पेपर 2012 का आउटसाइड का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, और शुरू करते हैं चलो अपना वीडियो। कोड नंबर आपके सामने है पेपर का, आगे चलते हैं हम देखते हैं। और ये तो आपको पता ही 100 मार्क्स का हमारा पेपर है और वर्ड लिमिट आप पहले ही जानते हैं। सीधा आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते, ठीक है, साफ्टा पर डैश के सदस्यों द्वारा वर्ष डैश में हस्ताक्षर हुए थे। ये जो साफ्टा था इसमें किसके सदस्यों ने साइन करे थे, सभी जानते हैं बच्चों सार्क, यानी जो सार्क है सार्क के सदस्यों ने इस पे साइन करे थे, ठीक है। अब इसने ये पूछ लिया कि साइन कब किए थे, 2004 में, तो हमको अपना आंसर यहाँ पे लिख देना है, बस हमको यही भरना था और ये हमारा आंसर था। और ये हाफ एंड हाफ मतलब एक नंबर का है, आधे नंबर का ये और आधे नंबर का ये। क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं, आसियान शैली क्या है, तो आसियान देशों के बीच में अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप ही आसियान शैली कहलाता है, यानी कि आसियान का जो काम करने का तरीका है उसी को आसियान शैली कहते हैं। आसियान का काम करने का तरीका क्या है, अनौपचारिक रूप से बिना लड़ाई झगड़े के आपस में सहयोग के साथ मेल मिलाप के साथ करते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपना तीन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन अपने सामने ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए, यानी ये जो हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो मतलब जो भी हमारे सामने ये लिखा हुआ है हमें, ये ना गलत है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है और हमें उसको ही ठीक करना है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सोवियत संघ रूस द्वारा 2006 तक वीटो पावर का प्रयोग 92 बार किया गया है, यानी कि 92 बार सोवियत संघ ने 2006 तक वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया है, तो हमें इसमें गलती पकड़नी है। तो गलती दोस्तों यही है 92, ये गलत है, लगभग 122 बार ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, और आपको पता होगा कि सोवियत संघ ने ही सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे गलती मिल गई, हमने इसको ठीक कर दिया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, शक्ति संतुलन किस प्रकार परंपरागत सुरक्षा का एक घटक है, शक्ति संतुलन किस प्रकार से परंपरागत सुरक्षा का एक घटक है। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आपात स्थिति आ जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति आने पर हमें जो भी मतलब हमारा शत्रु होगा, दुश्मन होगा, उससे मुकाबला तो करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें शक्ति संतुलन बना के रखना चाहिए। ये कि होता क्या है शक्ति संतुलन, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो भाई हमारा देश जो है, हमारा देश का नाम तो आपको पता ही है, भारत है। हम अपने पड़ोस में देखते हैं, हमें अपने पड़ोस में देखने में बहुत सारे देश दिखेंगे, हमें अपने पड़ोस में चीन दिखेगा, हमें अपने पड़ोस में पाकिस्तान दिखेगा, हमें श्रीलंका भी दिखता है, हमें बांग्लादेश भी दिखता है, हमें नेपाल भी दिखेगा, हमें भूटान भी दिखेगा, मतलब ठीक है अफगानिस्तान भी हमें दिखेगा, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हमें इनको देखकर एक बात पता लग जाएगी कि सारे देश हमसे क्या हैं, कमज़ोर हैं। पाकिस्तान हमसे कमज़ोर है, सारे देश हमसे कमज़ोर है, सिर्फ एक देश इनमें से अगर हम निकाल दें, बात करें हम चीन से तो चीन ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया और इधर लिख देता हूँ मैं चाइना, और दोनों की ताकत की तुलना करता हूँ, तो ताकत की तुलना में, टेक्नोलॉजी की तुलना में, आर्थिक विकास की तुलना में चाइना हमसे आगे जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, उससे शक्ति संतुलन बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में कभी चाइना हम पर अटैक कर दे, हमला कर दे, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ समझाने के लिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, ठीक है, वरना मैं एक लाइन में आपको इसका आंसर दे दूंगा, अभी लास्ट में आप वहां से समझ जाओगे, पर मैं आपको पूरा डीपली समझा रहा हूँ। चाइना हमसे ताकतवर है, तो हमें इस चाइना इस लेवल पर अगर,
तो हमको भी तो अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, हमें भी तो उसको इस लेवल पे पहुंचना है, चाइना के बराबर पहुंचना है, इसी को शक्ति संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति संतुलन क्या होता है, आपात स्थिति में कभी इमरजेंसी हो जाए, कोई अचानक से हमला कर दे, ऐसे में शक्ति संतुलन नहीं है तो हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो यानी कि उसका मतलब क्या है कि हम उसका नुकसान झेलेंगे, तो इसीलिए हमें शक्ति संतुलन बनाकर रखना चाहिए। बस एक लाइन में समझाना था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, पहला आम चुनाव, तो दोस्तों पहला आम चुनाव हुआ था, वैसे तो बात करें ये 1951 से 52 तक हुआ था। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर जब पूछा जाता है ना, एग्जैक्ट कि कब हुआ, तो इसका आंसर बनता है 1952। अब आप ये कहोगे कि 1952 क्यों बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो चुनाव शुरू हुआ था दोस्तों वो 1951 के लास्ट में शुरू हुआ था। ठीक है, जो लास्ट मंथ होते हैं नवंबर दिसंबर इन मंथों में, और लेकिन वो पूरे देश में चुनाव था, पहली बार चुनाव था, आज की तरह ईवीएम मशीन थोड़ी ना होती थी, चुनाव का जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा होता था, 6-6 महीने लग जाते थे चुनाव और उसका रिजल्ट आने में, इतना लंबा प्रोसेस होता था, तो इसीलिए ये 1951 से 1952, यानी शुरू तो 1951 के एंड में हुआ था लेकिन खत्म जो हुआ था 1952 में, इसीलिए उसको 1952 का चुनाव कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो जा रहा होगा, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी जो, उसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को विकास करना, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्य था उद्योगों का विकास करना, तो इसका उद्देश्य बोल दें तो उद्योगों का विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये है हमारा आंसर, मैंने आपको फर्स्ट भी बता दिया, क्या पता आपके पेपर में फर्स्ट आ जाए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इन सारी चीजों को, उद्योगों में भारी उद्योग आ जाएंगे, भारी उद्योग, रेलवे वगैरह, बिजली, इस तरह की चीजें, इस्पात। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो 7th क्वेश्चन नंबर है, दल बदल से आप क्या समझते हो। दल बदल क्या होता है दोस्तों, शायद आपने सुना होगा, आपने ये सुना होगा कि पहले वो व्यक्ति इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, बाद में आपने कुछ टाइम बाद सुना कि वो किसी दूसरी पार्टी में चला गया, यानी इसी को कहते हैं हम दल बदल। तो बात कर लेते हैं, जब कोई प्रतिनिधि, यानी मतलब जनप्रतिनिधि का मतलब है जो चुनाव लड़ता है नेता, किसी एक दल से चुनाव, किसी मतलब मान लो कि कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ा किसी ने, कांग्रेस, ठीक है, एक दल से उसने चुनाव लड़ा और जीत गया, और चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, उसने वो पार्टी छोड़ दी और मान लो कि वो बीजेपी में चला गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे घटना को, दल बदल, यानी जब कोई कैंडिडेट किसी एक पार्टी से खड़ा होकर चुनाव लड़ता है, जीतता है और बाद में उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दल बदल। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8वां क्वेश्चन है, कौन से चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। यानी आपको मैं, अगर आपको याद हो मैंने कल एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, उसमें ये क्वेश्चन था कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दी गई थी, तो चलो मैं आपको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था ना कि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन था, इस पेपर में भी क्वेश्चन है, और आप अगर पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो लगभग आपका 70% पेपर हो जाता है। अब देखो राजनीतिक भूकंप कौन से चुनाव को कहा जाता है, 1967 के चुनाव को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 1957 में दूसरा हुआ था, 1962 में तीसरा हुआ था, और चौथा चुनाव हुआ था, फोर्थ जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1967 में। इसमें क्या हुआ था, पहली बार कांग्रेस, यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता था 3 चुनाव तक, लेकिन चौथे चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वो 9 राज्यों से चली गई, यानी 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, हालांकि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी लेकिन राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। और 9 राज्यों को भी हम 2 टुकड़ों में करते हैं, 7+2, 7+2 क्यों बताया मैंने, 7 राज्यों में तो उनको बहुमत ही नहीं मिला, यानी उनको उतने वोट ही नहीं मिले जितने में सरकार बना पाई, और 2 में बेचारे दल बदल के चक्कर में चले गए, यानी कि मतलब चुनाव इनकी पार्टी से लड़ा लेकिन जीतने के बाद वो कहीं और चला गया, जो अभी मैंने बताया था आपको। तो ये पूरी कहानी थी 1967 के चुनाव की। दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, बिल्कुल पीछे से बेसिक तरीके से, वरना अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता ना तो बस सीधा आंसर हो जाता 1967 और आगे बढ़ जाते, तो इस तरीके से नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इससे फायदा नहीं होगा, आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया है, चलते हम आगे के क्वेश्चन पे, देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या था। एक नंबर का क्वेश्चन है, अब हमें एक नंबर में बताना है, मैं आपको फिर भी पूरी डिटेल में बता देता हूं कि क्या हुआ था भाई, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में क्या हुआ था कि वहां पे ना, वहां के जो गांव वाले थे
उनको ना अपने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी उनको, तो उन्होंने वन विभाग से सरकार से परमिशन मांगी, तो सरकार ने उनको परमिशन देने से मना कर दिया। सरकार ने बोला भाई नहीं देंगे हम परमिशन। लेकिन सरकार ने क्या करा, बाहरी जो कंपनी थी जो खेल सामग्री बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी उनको, खेल सामग्री के लिए, उनको परमिशन दे दी सरकार ने। अब गांव वालों को ऐसा महसूस हुआ कि भाई हम इस गांव में रहते हैं, हमारे पेड़ हैं, हमने लगाया है, हम इनके साथ रहे हैं, मतलब समझ लो ना कि सब कुछ मतलब गांव वालों का है। लेकिन सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी, और बाहर की कंपनी है जो कि मुनाफा कमाने के लिए ऐसा करेगी, वनों की कटाई करेगी, अंधाधुन कटाई करेगी, उनको परमिशन दे दी। तो ऐसे में जनता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और एक मेन व्यक्ति थे इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना दोस्तों ये नाम, ये थे, इन्होंने शुरुआत की एक आंदोलन की, और ये एक अनूठा आंदोलन था। इसमें क्या करा, औरतें जो थी उन्होंने पेड़ जो होते थे उसको अपनी बाहों से घेर लिया, यानी अपने हाथों से पकड़ लिया, बाहों से घेर लिया, और कोई भी अगर व्यक्ति उसे काटने आता था तो वो सामने खड़े हो जाते थे और उसको पकड़ लेते थे, पेड़ को कहते थे भाई हम काटने नहीं देंगे, बेशक से हमारी जान चली जाए पर हम पेड़ को कटने नहीं देंगे। ऐसे में क्या हुआ भाई, कोई भी उनको काटने की हिम्मत नहीं कर पाया तो वह सब वापस चले गए। तो ये पूरी कहानी थी चिपको आंदोलन की। आप चैप्टर जो हमारा जन आंदोलन वाला सेकंड बुक का चैप्टर है डिटेल में पढ़ो, वहाँ पे सब कुछ बता रखा है, वीडियो देख सकते हो आप, वहाँ से एक एक चीज बताइए, ठीक है। तो ये था चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल विवाद जो था, इसमें मध्यस्थता किसने करवाई थी, यानी जो ये सुलझाया था ये किसने करवाया था, किसकी मदद से हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था वर्ल्ड बैंक की मदद से। किसकी मदद से हुआ था, वर्ल्ड बैंक, यानी जिसको हम बोलेंगे हिंदी में विश्व बैंक ने करवाया था ये वाला समझौता। चलते हैं आगे, क्वेश्चन 11 पे देख लेते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों अपने। क्वेश्चन ये है कि शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो, यानी जो शीत युद्ध था हमारा उस टाइम पे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषता बतानी है। दोस्तों आपने उसमें तो बहुत सारा पढ़ा होगा, विशेषताएं तो आपने बहुत सारी पढ़ी होगी कि संसाधन बहुत सारे थे, आवागमन के रास्ते अच्छे थे, पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था, मिल्कियत पे राज्य का शासन होता था, और बेसिक सुविधाएं दी गई थी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, ये सारी बातें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। तो इन्हीं में से कोई दो पॉइंट लिख दो ना, बस हो गया हमारा। यानी हम लिख देंगे कि मतलब जो मिल्कियत पे मतलब जो शासन था वो किसका था, राज्य का था, और क्या था, बेरोजगारी नहीं थी। एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आ गया, हमने ये भी पढ़ा था उसमें, बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है। और भी ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे पॉइंट, तो हमें सिर्फ दो लिखने हैं तो हमारे यहीं पे खत्म हो जाता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला और दूसरा विश्व युद्ध में प्रत्येक की अवधि लिखनी है, यानी अवधि मतलब जो टाइम है, ड्यूरेशन लिखनी है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो फर्स्ट जो हुआ था वर्ल्ड वॉर, वो हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो विश्व युद्ध था, ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो ये दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ आप भी सोच रहे होगे कि क्या पेपर आता है, बिल्कुल टुच्चा पेपर आता है 12th क्लास का, ठीक है, बहुत इजी पेपर आता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, दिल से मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, मेहनत करो सभी। क्वेश्चन देखते हैं 13 दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि शक्ति के ऐसे चार रूपों को लिखिए जो अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाते हैं, यानी शक्ति के ऐसे कौन से चार रूप हैं जो यूएस की हेगेमनी यानी वर्चस्व को दर्शाते हैं। तो कौन से हो सकते हैं, दिमाग लगाओ, हमने कई बार पढ़ा है, जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तो हमने इसको कई बार पढ़ा था, मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। सैन्य वर्चस्व, वर्चस्व जो है वो सैन्य वर्चस्व के रूप में हो सकता है, ढांचागत ताकत के रूप में हो सकता है, सांस्कृतिक वर्चस्व हो सकता है, आर्थिक वर्चस्व हो सकता है। दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग शायद आपको बेकार लग रही हो, पर इस पे लिखने में ऐसा ही होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, पर आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, आप वहां से लिख सकते हो, ठीक है, देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। मैंने आपको बताया था कि चारों ऑपरेशन हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, चारों ऑपरेशन हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब मैं चारों ऑपरेशन आपको बता देता हूँ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन
इनफाइनाइट रीच। यहां से दोस्तों मैं डायरेक्ट बता सकता हूं आपको, लेकिन यहां से हमारा रिवीजन हो रहा है ये समझो, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। ये जो डेजर्ट स्टॉर्म था ये था प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित, प्रथम खाड़ी युद्ध। इनफाइनाइट रीच था जो अफगानिस्तान में, जो सूडान और उस पर सूडान और अफगानिस्तान तालिबान में जो क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ था, ठीक है, सूडान वाली घटना। एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है हमारा आंसर ये है 9/11 की घटना, यानी 9/11 की जो घटना हुई थी बच्चों उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया गया था पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ, वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था। इराकी फ्रीडम क्या था, इराक पे अमेरिका ने हमला करा था और ये बोल दिया था कि खतरनाक हथियार बना रहा है, और बाद में पता लगा कुछ ऐसा था ही नहीं उसके पास, इसी घटना को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इसी टाइम पे चलाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों चारों आपसे पूछा एक था, मैंने बताया आपको चारों हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको मान लो क्या पता है इस बार एंड्यूरिंग ना है, इस बार ये बोल दे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बता दो या ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच बता दो या इराकी फ्रीडम बता दो, तो आपको सारे पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, भू राजनीति की परिभाषा दो, जियो पॉलिटिक्स। भू राजनीति क्या होती है दोस्तों, राजनीति तो आपने सुना पर ये भू राजनीति क्या है, देखो एक सेकेंड। तो दोस्तों हम भू राजनीति की बात कर रहे थे, तो हुआ क्या था कि युद्ध से संबंधित, यानी युद्ध से संबंधित संसाधन इसकी आपूर्ति करने के लिए, युद्ध से संबंधित संसाधन क्या हो जाएंगे, हथियार वगैरह हो सकता है, यूरेनियम वगैरह हो सकता है जिसे बम वगैरह बनाने हो, ठीक है, ये संसाधन जो थे इनकी आपूर्ति के लिए खाड़ी देश कौन से थे, आपको पता है खाड़ी देश वो जो मतलब जिनके पास तेल वगैरह हो, वो मध्य और दक्षिण अफ्रीकी देश, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया देश, इनके बीच में, इन देशों के बीच में तेल की आपूर्ति, यानी तेल के लिए जो मतलब तेल संबंधी राजनीति थी उसी को भू राजनीति कहते हैं। यानी हुआ क्या था, आप सीधा सीधा अगर मैं आपको सिंपल से वर्ड में बताऊं तो खाड़ी देश, मध्य दक्षिणी देश, पश्चिमी और मध्य एशिया के देश, इन देशों के बीच में जो तेल संसाधनों को लेकर राजनीति हुई थी उसी को हम क्या कहते हैं, भू राजनीति कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, उन मूल राज्यों के नाम बताइए जिनसे ये राज्य निकले हैं, यानी आपको पता है कि ये राज्य जो हैं ये अलग अलग राज्यों से निकले हैं, तो उसके जो मूल राज्य थे हमको उसको बताना है। तो मेघालय जो था ये बना है असम से, और ये बना था 1972 के आसपास। गुजरात जो बना था ये किससे अलग हुआ है गुजरात, तो ये बॉम्बे, एक राज्य उसको पहले बॉम्बे बोला जाता था ना, बॉम्बे, ये 1960 के करीब बना था, तो ठीक है उस बॉम्बे के पार्ट कर दिए गए थे दो। गुजराती भाषा जो बोलते थे उनके लिए गुजरात बना दिया गया था, मराठी भाषा जो बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया था, और आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कर दी गई है, ठीक है मुंबई। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पेपर जो मैंने करे हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लो, क्योंकि वहां पे ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये रजवाड़ों वाला क्वेश्चन, इसमें पटेल जी की भूमिका बहुत ज्यादा आती है। देखो क्या हुआ था कि भाई रजवाड़े को भारतीय संघ में शामिल करना कोई आसान काम नहीं था, इसके लिए जरूरत थी सूझबूझ की, चतुराई की, जो कि इन्होंने क्या करा, अपनी चतुराई से, अपनी मतलब युक्ति मतलब जो आइडिया वगैरह लगाना, चतुराई से, युक्ति से, समझदारी से, और अपनी मतलब तौर अच्छे तरीके से इनको, रजवाड़ों को इन्होंने मना लिया। किस लिए मना लिया, इन्होंने मना लिया कि भारतीय संघ में शामिल हो जाओ। इन्होंने एक सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन नाम का एक सहमति पत्र था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर करवाए इनके, और हस्ताक्षर करवाने के बाद इनको लालच भी दिया गया, प्रिवी पर्स जैसे कुछ लालच, ठीक है। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ना मतलब उन्होंने अपनी दिमाग लगाकर अपनी कहीं ना कहीं अपना मतलब एक बहुत अच्छा रोल अपनाया था, जिससे देसी रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार हो गए थे। तो इनकी जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। चलते हम क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 18वां। ये कह रहा है कि भारत और सोवियत संघ ने
20 वर्षीय संधि करी थी एक, ठीक है, 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर कब और क्यों हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों आपको अगर याद हो पूरी की पूरी घटना बांग्लादेश संकट की, तो क्या हुआ था 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करा था, यानी वहाँ की जनता जो थी उस पे अपनी उर्दू भाषा थोप रहे थे, जबरन उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे थे। ऐसे में क्या हुआ था, इन्होंने विरोध कर दिया था उसका। और यहाँ से इसी घटना में क्या हुआ, 80 लाख शरणार्थी भारत आ गए। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, हम क्या करें। ऐसे में इंदिरा गांधी ने क्या करा, बहुत ज़बरदस्त काम करा कि बांग्लादेश जो हम बोलते हैं ना बाद में, उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, यानी इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को मदद कर दी, और मदद कर दी, और भारत और पाकिस्तान की हो गई लड़ाई 1971 में। और ऐसे में 1971 में लड़ाई हो गई, तो ऐसे में क्या था कि पाकिस्तान तो आपको पता है, अगर आपको पता हो तो ये नाटो का सदस्य भी था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को आपको ये भी पता हो कि चाइना और अमेरिका जैसे देश भी समर्थन करते थे एक टाइम पे, चाइना तो आज भी बहुत करता है समर्थन। तो ऐसे में पाकिस्तान को समर्थन प्राप्त था बाकियों से, अमेरिका जैसे देशों से, लेकिन भारत जो था अकेला पड़ रहा था। अब भारत को उससे युद्ध लड़ना था, तो भारत को भी मदद चाहिए थी, तो भारत ने क्या करा, सोवियत संघ से मदद ले ली, वही मदद ली, यानी 20 वर्ष की शांति और उसकी वो संधि कर ली। तो ये वही संधि है, ठीक है। कब की गई, आंसर है 1971। क्यों की गई, क्योंकि हमें मदद की जरूरत थी, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था। तो ये सारा हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अपने सामने कह रहा है कि भारत सरकार की किस कार्यवाही से मछुआरों के जीवन पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संघ बनाया। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इनका ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका लास्ट वाला कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन बनाया। तो इन्होंने बनाया था NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, ठीक है, राष्ट्रीय मछुआरे संघ जो भी उनका बनता फोरम, तो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम इसको बोलते हैं NFF, ये संघ बनाया। तो हमारा दूसरे का आंसर तो हो गया। अब बात करते हैं पहले की, पहले में कह रहा है कि भारत सरकार की किस कार्यवाही से मछुआरों के जीवन में बड़ा संकट हो गया। तो क्या हुआ था भाई, सरकार ने क्या करा था, ये जो मछुआरे होते थे वो अपने जाल से मछलियां पकड़ते थे, तो जाल से कितनी मछली पकड़ी है, 10, 20, 50, 100, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, लिमिटेड ही होता है जाल में। लेकिन सरकार ने क्या करा, कुछ भारी कंपनी वगैरह जो जो कंपनियां वगैरह थी, और जो मतलब मशीनों से मशीनीकृत जो थी, यानी उन्होंने मशीनों से मछली पकड़ने के आदेश दे दिए। उसमें एक पता है क्या होता है, जहाज टाइप का होता है वो, और वो चलता जाता है और उस मछलियाँ उसमें आती जाती है, यानी कि वो बहुत कम टाइम में मशीनों से बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता है, ठीक है, वो मशीन। तो इन्होंने क्या करा, ये जो मछुआरे लोग थे इनको लग रहा था कि भाई हमारी जो रोजी रोटी है वो तो मछलियों से ही चलती है, हमारा रोजगार मछलियाँ हैं, और अगर ये मछलियाँ ऐसे ही मशीनों से पकड़ी जाने लगी तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा मछलियाँ खत्म हो जाएगी, जब मछलियाँ खत्म हो जाएगी तो भाई फिर क्या पकड़ेंगे वो, फिर तो समुद्र में मछलियाँ रहेंगी नहीं, फिर उनके रोजगार पे संकट आ जाएगा, उनको विस्थापन करना पड़ेगा, आर्थिक संकट हो जाएगा, मतलब उनकी तो रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए मछुआरे लोगों ने सरकार के ये मशीनीकृत जो मत्स्य आखेट था इसका विरोध करा, ठीक है, और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसको NFF कहा जाता है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। तो ये दोस्तों हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम अगला, 20वां क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकारों में राजनीतिक समीकरण अस्थिर होते हैं, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार और 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार से यह अवधारणा कैसे परिलक्षित होती है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, 1989 में जो सरकार बनी थी राष्ट्रीय मोर्चे की, अब ये राष्ट्रीय मोर्चा क्या है और ये संयुक्त मोर्चा क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय मोर्चा है और ये जो संयुक्त मोर्चा है, ये ना ये है गठबंधन, यानी कि कुछ पार्टियों ने मिलकर आपस में गठबंधन बना लिया था जिसको राष्ट्रीय मोर्चा, दूसरी तरफ दूसरा गठबंधन बना जिसको संयुक्त मोर्चा, ठीक है, वाम वाम मोर्चा और अलग अलग तरह के वो बन गए थे संगठन। उस टाइम पे ऐसी राजनीति थी, जैसे आज के टाइम पे भी है ना संगठन, जैसे बीजेपी है, बीजेपी का एक बड़ा गठबंधन है जिसको हम बोलते हैं NDA, और कांग्रेस है, कांग्रेस का एक बड़ा मतलब जो गठबंधन है उसको हम बोलते हैं UPA। क्या आप मुझको NDA और UPA की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो,
अगर आप वैसे आप गूगल पे सर्च करोगे आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और एनडीए यूपीए के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस बुक सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है, वहां मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, आप वहां से वीडियो देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि गठबंधन सरकारों के राजनीतिक समीकरण अस्थिर होते हैं। ये तो सभी को पता है कि गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाती, अस्थिर होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो मतलब एक तो देखो दो तरह की सरकारें हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर समझा देता हूँ। एक सरकार है जिसपे बहुमत है, यानी जिस उसको चाहिए 272, तो उसके पास मान लो तो इससे भी ज्यादा है, मान लो उसके पास 300 सीटें हैं, ये बहुमत वाली सरकार है। जैसे आज के टाइम पे हम बात करें बीजेपी, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, तो ऐसे में ये सरकार है दमदार, इसको बोलेंगे दमदार सरकार। कल को कोई भी सीन होता है, कोई कुछ होता है, जैसे अभी अभी आपने देखा एक दो दिन पहले न्यूज में देखा होगा कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया था, तो कांग्रेस ये जानती थी कि अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार का कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं है क्योंकि बहुमत तो उसके पास वैसे ही नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की, ये उनका पर्सनल मैटर है। तो ये मतलब जो दमदार सरकार होगी, बहुमत वाली सरकार होगी, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपने दम पे फैसले लेने के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी तरफ ऐसी सरकार की जो गठबंधन वाली सरकार है, जिसका जिसका डिस्कशन हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। गठबंधन वाली सरकार है, 272 चाहिए भाई, किसी को 272 नहीं मिले, मान लो एक को मिल गए 200, एक को मिल गए 10, एक को मिल गए 60, एक को मिल गए 2, आपस में मिलके इन्होंने बना ली भाई सरकार। अब ये जो 10 है इनकी विचारधारा अलग है, ये जो 60 है इनकी विचारधारा अलग है, ये जो 2 है इनकी विचारधारा अलग है, ये जो 200 है, यानी कि सभी पार्टियों की अलग विचारधारा होती है, लेकिन आपस में मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? सत्ता के मोह के लालच में, यानी सत्ता का मोह है उन्हें, सत्ता के चक्कर में आपस में सारी दुश्मनियां भुला ली और दोस्त बन गए। लेकिन ये जो दोस्ती है कितने दिनों तक चलेगी? साल, 2 साल, 4 साल। मान लो अगर कल को इनके बीच में आपसी विवाद हो जाता है और ये बोल देता है 10 सीटों वाला कि भाई मैं तेरा गठबंधन तोड़ रहा हूं, मैं नहीं हूं तेरे साथ, तो ऐसे में क्या होगा? 10 सीटें अगर गई, यानी कि सरकार ने बहुमत खो दिया, और सरकार ने बहुमत खो दिया तो सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो उसका मतलब क्या होता है कि गठबंधन की सरकार जो होती है वो अस्थिर होती है, यानी कि परमानेंट नहीं होती, अस्थिर होती है, यानी टेम्परेरी समझ लो। हो सकता है कि वो 5 साल चल जाए, और हो सकता है कि 5 दिन भी ना चल पाए, हो सकता है 5 महीने में गिर जाए, हो सकता है और ज़्यादा दिन में गिर जाए, लेकिन ज़्यादातर सरकारें जो होती हैं गठबंधन वाली वो गिर ही जाती हैं। ठीक है, बहुत कम सरकार होती है गठबंधन की जो पूरा अपना कार्यकाल कंप्लीट करती है। तो ये होता है अस्थिर वाला जो मैंने आपको बताया पूरा। आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार और 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार की अवधारणा कैसे, मतलब 1989 और 1996 की घटना से कैसे मतलब ये पता लगता है। मैं आपको ये रब कर देता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसके पीछे जो स्टोरी थी मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। चलो क्या था भाई, देखो मैंने आपके सामने कुछ लिखा है आपको समझाने के लिए। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा जो गठबंधन था उसकी सरकार थी, इसको बीजेपी ने, जिसको हम भाजपा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसने समर्थन दिया था, और वाम मोर्चा भी एक गठबंधन था, मतलब एक पार्टी टाइप की थी कुछ दलों की, इन्होंने भी इसको समर्थन दे दिया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कैसी दुश्मनी है, यानी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि बीजेपी ने इसको समर्थन इसलिए दे दिया क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। अब बहुमत नहीं था तो अपने दम पे तो सरकार वैसे ही नहीं बना सकती, लेकिन वो चाहती थी कि कांग्रेस, अगर हमारी सरकार बने चाहे ना बने, पर कांग्रेस की नहीं बनना बननी चाहिए। होता है ना कि कोई लोग अपने दुश्मन को खुश नहीं देखना चाहते, कहते भाई बेशक से मैं मर जाऊं पर वो खुश नहीं होना चाहिए, बस ऐसा कुछ। तो बीजेपी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तो उसने 1989 में ये कर दिया इसको समर्थन, क्योंकि वो किसको बाहर देखना चाहती थी? कांग्रेस को। तो यानी कि कांग्रेस को बाहर करने के लिए बीजेपी ने ये कर दिया। फिर क्या हुआ? अब भाई इस बार बात करते हैं 1996 में, 1996 में किसकी सरकार है? अभी हमने पढ़ा संयुक्त मोर्चा, यानी संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, ये भी एक गठबंधन था। वाम मोर्चा जो था इसने इसने अभी भी गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन अपना जारी रखा, ठीक है, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार जो को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया इस बार। ये जो जैसे वाम मोर्चे को बीजेपी ने समर्थन दिया था यहाँ, सॉरी राष्ट्रीय मोर्चे को बीजेपी ने समर्थन दिया था यहाँ पे, तो कांग्रेस भी कैसे पीछे रहने वाली थी। इस बार कांग्रेस ने समर्थन दे दिया संयुक्त मोर्चा को, बोला ले भाई हमारा समर्थन तेरे साथ।
क्यों? क्योंकि इस बार जो कांग्रेस है वो बीजेपी को बाहर देखना चाहती थी, बदला यहाँ पे जैसे जैसे भाजपा कांग्रेस को बाहर करने के लिए उसने इसको समर्थन करा था, ऐसे ही कांग्रेस ने बीजेपी को बाहर करने के लिए इसको समर्थन कर दिया। तो ये पूरी कहानी थी, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी थी। आप वहां पढ़ोगे ना जब चैप्टर वीडियो देखोगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, डीपली समझाया है, आपको पूरी कहानी अच्छे से पता लगेगी। यहाँ तो भाई कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में ही बताना है, तो ज़्यादा नहीं बता सकता डीपली, पर आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, और सॉरी 21वां है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट की व्याख्या करो। सब जानते हैं भाई, क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका, ये 3 देशों के नाम आएंगे। क्यूबा के नाम जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, ठीक है, और सोवियत संघ के थे निकिता खुश्रेव, और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी, कैनेडी लगा लो, ये इनके नेता थे। तो क्या हुआ, क्यूबा को इन्होंने क्या करा था, क्यूबा को सोवियत संघ ने सोचा अपना परमाणु अड्डा बना ले, तो 1962 में ये घटना हुई थी, 1962 में इन्होंने इसको अपना परमाणु अड्डा बना लिया था बस। तो अमेरिका उसके नज़दीकी निशाने में आ गया था, अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगी थी। पूरी की पूरी कहानी थी दोस्तों, 500 बार बताइए, ये पूरा था। तो ऐसे में क्या हुआ, 3 हफ्ते बाद जब उसे पता लगा तो वो डर रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए हमला कर दे, क्योंकि अगर हमला होता तो दोस्तों अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होता सोवियत संघ से। तो ऐसे में, लेकिन वो उसे दृढ़ विश्वास था कि वो अपने जो जंगी बेड़े हैं उसको आगे रोक लेगा। तो ऐसे में अमेरिका ने आदेश दिया, अपने जंगी बेड़ों को आगे भेजा, क्योंकि सोवियत संघ से जो जंगी बेड़े मतलब जो जहाज़ आते थे, जो जहाज क्यूबा की तरफ मदद पहुंचाते थे, उनको रोकने के लिए अमेरिका ने अपने जहाज भेजे। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक तरफ अमेरिका के जहाज, दूसरी तरफ सोवियत संघ के जहाज आमने सामने आ गए, और ऐसे में लगा कि अब दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो ही जाएगा। इसीलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट को। पूरी घटनाएं इसमें से हमें मेन मेन पॉइंट बताने थे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां से ये खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां देख लो, अमेरिकी वर्चस्व की किन्हीं 2 मुख्य बाधाओं का वर्णन करो। दोस्तों ये कल बताया था मैंने कि ये हर बार पेपर में आता है, आपने पढ़ा है वो वाला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है अवरोध वाला, अवरोध, अमेरिकी शक्ति वर्चस्व के, अमेरिकी वर्चस्व की राह में प्रमुख अवरोध। तो वो पहला पॉइंट क्या था, अमेरिका की संस्थागत बुनावट। दूसरा पॉइंट क्या था, वहां के लोगों की उन्मुक्त प्रकृति, उन्मुक्त प्रकृति। तीसरा पॉइंट क्या था, नाटो। तो ये 3 पॉइंट है, हमें 2 बताने थे, आप कोई भी 2 बता के एक्सप्लेन कर सकते हो। दोस्तों मोर डिटेल के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैप्टर की वीडियो जरूर देखो। 23वां क्वेश्चन है, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप महाद्वीपों में से प्रत्येक में से एक एक देश का नाम यूएनओ द्वारा शांति स्थापना अभियान चलाए गए। यानी मतलब ये जो अमेरिका, एशिया और यूरोपीय महाद्वीपों में से प्रत्येक में, ये मतलब ये जो महाद्वीप है, अमेरिकी, अफ्रीकी, एशियाई, यूरोप, इन महाद्वीपों में से एक एक देश का नाम बताना है जहां पे यूएनओ ने शांति स्थापना अभियान चलाए। दोस्तों अब ये क्वेश्चन ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ 98% बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, इतना मुश्किल क्वेश्चन है। इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये बुक में इस जगह पे दे रखा है जिस जो जहां पे नजर हमारी जाती ही नहीं है, बच्चे वो उस पे नजर डालते नहीं है। आप देखना, आपका जो यूएनओ वाला चैप्टर है उसमें एक मैप है, उसमें एक मैप दे रखा है कुछ इस तरीके से उसमें लाइनें खींची हुई है। उस मैप को आज ही आप अच्छे से खोल के देखो और तब आपको पता लगेगा भाई कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में एक जगह है हैती, हैती नाम की जगह है, वहाँ पे 2004 में करा था। अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे एक जगह है लाइबेरिया, लाइबेरिया वहाँ पे 2003 में करा था। अगर हम बात करें एशिया की, एशिया महाद्वीप, तो यहाँ पे हुआ था दोस्तों भारत और पाकिस्तान में हुआ था, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान, 1949 में, 1949 में। अगर आप बात करते हैं यूरोपीय देश की, यूरोप की, तो यहाँ पे हुआ था दोस्तों जॉर्जिया, जॉर्जिया में हुआ था 1993 में, 1993 में। और एक जगह है यहाँ पे साइप्रस, साइप्रस में हुआ था 1964 में। तो दोस्तों ये है पूरी डिटेल आंसर। अब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी अपनी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, मैप में जाके अच्छे से सर्च करो, मेहनत करो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
वैश्विक निर्धनता किस प्रकार से खतरे का स्रोत है? आपको पता है खतरे का स्रोत में गरीबी भी एक खतरे का स्रोत था, तो निर्धनता कैसे खतरे का स्रोत हो सकती है? देखो भाई, निर्धनता खतरे का स्रोत इसलिए हो सकती है क्योंकि देश में ना निर्धन व्यक्तियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी। निर्धन व्यक्ति क्या होंगे, अपने लिए सुविधाएं नहीं ले पाते, पैसे ही नहीं होते बेचारों के पास, इनके पास अच्छा रोज़गार नहीं होता, गंदी बस्तियों में रहते हैं। गंदी बस्ती में रहते हैं तो क्या होता है, इनको बीमारियाँ होती हैं। बीमारी होगी तो सरकार का जो ज़्यादा पैसा है वो कहाँ जाएगा, इन बीमारियों के इलाज में, ठीक है। फिर वहाँ पर सुविधाएँ नहीं होंगी तो ऐसे में ये बनते हैं क्रिमिनल, कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी में चले जाते हैं बेचारे, नशे के शिकार हो जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से बात करें तो ये विश्व में अगर हम बात करें ना कुल निर्धन की, तो 50% की बात करें तो सिर्फ 6 देशों में हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ऐसी जगह पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गलत होता है, ठीक है। ये एक मतलब बहुत बड़ा खतरे का स्रोत है, ये सारी की सारी जो हमने चीज़ें बताई, इतना सब कुछ होता है तो ये एक खतरे का सबसे बड़ा स्रोत माना जा सकता है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं जो पर्यावरण को दूषित करे वही इसका भुगतान करे। कोई दो उपयुक्त तर्क देने आपको, ये हुआ कहाँ से, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आपको बताता हूँ। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, आपने चैप्टर नंबर 8 जो पर्यावरण वाला है उसमें पढ़ा था साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। हुआ क्या था दोस्तों, कि मैंने अभी कल वाले वीडियो में भी ये था, दो तरह के देश हैं, एक है विकसित जिसको हम बोलते हैं डेवलप्ड, एक होते हैं डेवलपिंग यानी जो विकासशील देश, विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ठीक है, यूरोप के बहुत सारे देश, ये सारे आ जाते हैं विकसित देशों की कैटेगरी में। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं विकासशील देश, तो उसमें आता है भारत, चीन और बाकी बहुत सारे देश आ जाते हैं उसमें विकासशील देशों में, ठीक है। तो ये होता है ऐसा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया है, तो हमारा आंसर होगा विकसित देशों ने। सबसे कम नुकसान किसने पहुँचाया है, तो हमारा आंसर होगा विकासशील देशों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उद्योग वगैरह जो थी यहाँ पे सैकड़ों साल पहले हो चुका है, वो सब जो चीज़ यहाँ पे अब शुरू होनी शुरू हुई है, यानी हमसे बहुत आगे हैं, 100 साल आगे हमसे, ये लगा लो इतने आगे हैं, इतने ज़्यादा डेवलप हैं, तो इन्होंने पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया था कि जिसने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो पर्यावरण के लिए भरपाई भी ज़्यादा करेगा, और जिसने कम नुकसान पहुँचाया है वो कम करेगा, तो ये हो जाएगा। तो आप इसको बता सकते हो, अब इसके आंसर में ये लिख सकते थे कि जो विकसित देश हैं इन सब देशों ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो इनको ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिन्होंने कम नुकसान पहुँचाया उन्हें कम निभानी चाहिए। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, तर्क दे सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कारण सत्ता राष्ट्र राज्यों के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ताओं के हाथ में गई है, इस कथन की पुष्टि करो। यानी वैश्वीकरण के कारण सत्ता जो है वो राष्ट्र राज्यों यानी सरकार के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ताओं जो कस्टमर होते हैं दुनिया भर के, उन कंज्यूमर जो हैं उनके हाथों में जा रही है, ये समझाना है थोड़ा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही शायद बच्चों को समझ में ना आए, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको कुछ बताता हूं, आप उसे ध्यान से सुनो। कि वैश्वीकरण की अगर हम बात करते हैं तो विकासशील जो देश हैं वहां पे राज्य की भूमिका यानी जो सरकार, विकासशील देशों में जो सरकार है उसकी भूमिका जो है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो उसमें यह होगा कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी जो सरकार की क्षमता है, जो सरकार को जो करना है उसको करने की जो ताकत है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कल्याणकारी राज्य की जो धारणा होती है कि मतलब सरकार कल्याणकारी होगी, जनता की भलाई के लिए काम करेगी, ये सब ये चीज़ें अब पुरानी बढ़ती जा रही हैं। अब सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम होता जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सरकार के हाथ में पहले सब कुछ होता था, जो भी होता था सब सरकार के हाथ में होता था। पहले राजा वाजा का जो शासन था राजा ही देखता था, लेकिन अब सारी चीज़ें सरकार नहीं देखती है, सरकार कुछ प्राइवेट हाथों में भी कुछ चीज़ें दे देती है, निजीकरण, यानी अब सरकार अपना जो हाथ है वो खींच रही है जनता की भलाई और इन सारी चीज़ों से, वो मेन मेन कामों को ही अपने पास रखती है,
रेलवे हो जाएगी, बैंकिंग हो जाएगी, सुरक्षा का मामला हो जाएगा, ऐसी चीज़ों तक ही अपने आप को सीमित रखती है। बाकी चीज़ें राज्यों में, स्टेट में या फिर प्राइवेट हाथों में दे देती है। तो ये बदलाव आ रहा है। और अगर हम बात करें कुछ और थोड़ी सी, तो ध्यान से सुनो कि राज्य जो हैं अब कुछ मेन कामों तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। जैसे कि क्या, सरकार मेन काम तक, जैसे कि कानून बनाना। अब कानून बनाना तो प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि देश के लिए है। तो कानून बनाना, व्यवस्था बना कौन बनाएगा, व्यवस्था तो सरकार को ही बना के रखनी पड़ेगी। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों की सुरक्षा, क्योंकि ये जो सुरक्षा है इसका सरकार को ही करना है। इन कामों तक, ये जो मेन मेन काम है, इनको ही सरकार अपने तक रख रही है। लोक कल्याणकारी जो काम थे जनता की भलाई वाले, उसमें से सरकार थोड़ा हाथ खींच रही है। ठीक है, तो ये बदलाव आ रहे हैं, यानी कि अब ये जो है ये सारी चीज़ें जाती जा रही हैं और वैश्विक उपभोक्ताओं के हाथ में जा रही है, यानी राज्य सरकार के हाथ से ये जा रही हैं। विकासशील देशों में जो है, आपको पता है, मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन्होंने पैर पसार लिए हैं, उनकी भूमिका बढ़ रही है। अब सरकार जो है वो अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती जा रही है। सरकार यानी कहीं ना कहीं मतलब भारी हस्तक्षेप होता जा रहा है दुनिया के विभिन्न देशों का। क्योंकि देखो, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां MNC जो होती हैं, ये हमारे देशों में आती हैं, अलग अलग देशों की कंपनियां। अब ऐसे में हमें से फायदा भी है और इससे हमें थोड़ा नुकसान भी है। फायदा ये है कि इससे रोजगार मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे देश में होंगी तो सरकार को टैक्स वगैरह मिलता है, सरकार को भी बेनिफिट मिलता है, रोजगार, टैक्स और ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में देश का आर्थिक विकास और ये सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देश पिछड़ जाएगा। तो ये भी है, इसीलिए ये MNC वगैरह आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे इन चीज़ों का दबाव भी बढ़ता है, बाहरी देशों का दबाव भी बढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 27 पे। ये कह रहा है कि मिलान करो, हमें यहाँ पे मिलान करना है। आचार्य नरेंद्र देव ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। आचार्य नरेंद्र देव ने सोशलिस्ट पार्टी की। अब बात कर लेते हैं कि AK गोपालन जो है वो कौन सी पार्टी के थे। तो ये जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। AK गोपालन जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। यहां कम्युनिस्ट पार्टी देखो कहां है, ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन देखो, ये कम्युनिस्ट पार्टी, इससे मैच कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं रफी अहमद किदवई, यूपी के थे। हाँ, मुझे याद आया, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस राज्य के थे। अब आपको मुझे उसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से सर्च करो और मुझे बताओ कि रफी अहमद किदवई किस राज्य के हैं। ये एक पेपर में आया हुआ था। तो रफी अहमद किदवई जो है ये हैं कांग्रेस के। तो इसका जो मैं इससे मैच कर देता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय। ये तो दीनदयाल उपाध्याय तो आप जानते ही हो, बीजेपी, और बीजेपी की शुरुआत भारतीय जनसंघ, तो आप ये भारतीय जनसंघ कर दोगे। तो हम इस तरीके से मैच करते हैं। रफी अहमद किदवाई दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, भारतीय परमाणु नीति की किन्हीं दो विशेषताओं को बताना है हमें। जो भारत की जो परमाणु नीति है इसकी दो विशेषता बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले, उसमें मैंने बताया था, वहां पे भारत की परमाणु नीति की विशेषता ये है कि हम जो परमाणु हथियार ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए करेंगे। सेल्फ डिफेंस यानी अपनी रक्षा के लिए करेंगे। दूसरा क्या है कि हम, हमारी एक नीति है कि हम पहले कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी पहले मतलब अटैक नहीं करेंगे हम किसी पे भी परमाणु हथियार से। और फिर क्या है कि हमने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई संधियां जो हम पे जबरन थोपी जा रही थी, हम उसका विरोध भी हमने कराए। और हमने जो परमाणु परीक्षण किया था, आपको मुझे याद आ रहा है कि 1998 में हमारा जो परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके बाद भारत दुनिया की नज़रों में आ गया था। क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान ने भी कर लिया था। भारत पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में आ गए थे, क्योंकि दोनों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए थे। और ऐसे में दुनिया को ये लगता था कि भारत पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो आपस में कभी भी लड़ाई हो सकती है, और लड़ाई हो गई तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो जाएगा, दुनिया को ऐसा लगता था। और अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो जाएगा तो भाई दुनिया में तबाही मचा देंगे ये। तो इसको लेकर भी बहुत सारे देशों, अमेरिका जैसे देशों ने क्या करा, हम पे जबरदस्ती बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। जब हम पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए तो उससे भाई हम नाराजगी हुई। हमने ये कहा कि भाई तुम हमारे पे ये संधियां थोप रहे हो, तुमने खुद तो परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए हैं, अगर हम उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं तो तुम हमें मना क्यों कर रहे हो, कौन सा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तब हमने बताया कि हमारी परमाणु नीति ये है कि हम इनको इसका इसको सिर्फ अपनी रक्षा के लिए बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम कभी भी पहले नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बातें थी, आप इन्हें बता सकते हो पेपर में। क्वेश्चन नंबर है 29।
1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कल वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, 1960 के दशक को खतरनाक क्यों कहा जाता है? बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, बुक में आपको कम दे रखे, मैं आपको सारे बताता हूँ। 1962 में क्या हुआ? चीन से युद्ध हुआ और भारत युद्ध में हार गया, भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एक ये। फिर उसके बाद क्या, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, पाकिस्तान से युद्ध जीत गया भारत, लेकिन फिर भी भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस टाइम पे क्या था, मॉनसून असफल हुआ था, मॉनसून की असफलता के कारण हमें क्या हुआ था कि मतलब हमारे देश में खाद्यान्न संकट हो गया था, हमें अमेरिका जैसे देशों से बाहर से खरीदना पड़ा हमें गेहूं वगैरह। और क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों, सोचो। और इस टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट दिमाग से निकल जाते हैं कई बार, ठीक है। इसी टाइम पे बिहार में बहुत ज्यादा अकाल आया था, कुपोषण हुआ था। इसी टाइम पे क्या हुआ था, इसी टाइम पे चौथे आम चुनाव हुए थे और चौथे आम चुनाव में कांग्रेस 7 राज्यों से हार गई थी, ठीक है। इस टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, जनता का आक्रोश हो रहा था, गुस्सा आ रहा था सरकार के प्रति, तो हड़ताल वगैरह होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप बुक में देखना, आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। हमारे से यहाँ पे सिर्फ 4 पूछे हैं, तो हमने इतने सारे बता दिए, आपको सिर्फ 4 पेपर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, कह रहा है कि 1985 में राजीव गांधी और लोंगोवाल, ये समझौता जो हुआ था, इसके मेन परिणाम क्या हुए? राजीव गांधी और लोंगोवाल जो समझौता हुआ, इसके परिणाम क्या हुए? तो यहाँ पे दोस्तों एक सहमति बनी थी कि चंडीगढ़ जो है वो दे दिया जाएगा पंजाब को, ये बात चली थी। और पंजाब और हरियाणा के बीच में, आपको अगर पता हो, पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा विवाद था, तो बात की गई कि सीमा विवाद को सुलझाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एक आयोग बना देंगे। फिर क्या था दोस्तों, वहाँ पे एक बात चली थी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 राज्यों के बीच में ना रावी व्यास, ये जो नदी है हमारी रावी व्यास, इन नदियों के पानी को लेकर, जल बंटवारे को लेकर विवाद था। तो बात ये चली थी कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में न्यायाधिकरण कहा जाता है, ट्रिब्यूनल, जो इस मामले को देखेगा और इस पे उचित कार्यवाही करेगा, उचित फैसला लेगा। तो ये बात हुई थी समझौते में दोस्तों। पंजाब में जो उग्रवाद से प्रभावित लोग थे उनको मुआवजा देने की बात की गई थी, जो लोग उससे उग्रवाद से प्रभावित हैं उनको मुआवजा देने की बात की गई थी। क्या हो रहा है दोस्तों, लिखा भी नहीं जा रहा आज, मुआवजा। ये थोड़ा, ये जो पेन है ना मेरा चल नहीं रहा है, इसके कारण दिक्कत आ रही है लिखने में, चल गया, ठीक है। तो ये हुआ था और पंजाब में समझौते हुए अमन कायम करने के लिए, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों हमें इसमें से 2-3 चीज़ें बतानी थी, इतनी नहीं बतानी थी, मैंने आपको ज़्यादा बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, यहाँ से हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन 6 नंबर के। अब 6 मार्क के क्वेश्चन तो आपको पता ही है हमारे लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। पहला ये जो मतलब क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शीत युद्ध समाप्त होने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या रही? दोस्तों ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है, मैं जैसे लास्ट पेपर ही पढ़ रहा हूँ, ये वहाँ भी था क्वेश्चन और मैंने इसका आंसर लास्ट में बताया था। मैं आपको अब लिख के नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट कहानी की तरह बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो कि गुटनिरपेक्षता की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि शक्ति, 2 महाशक्तियाँ दुनिया को बांट रही थी, हमारा देश उसी टाइम पर आज़ाद हुआ था, 200 सालों की गुलामी के बाद भारत देश आज़ाद हुआ था, और फिर से हमारे सामने खतरा था कि किसी महाशक्ति में जाएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। ऐसे में हमने दोनों से बचाव के लिए क्या किया, हमने दोनों से बचाव के लिए गुटनिरपेक्ष का रास्ता अपनाया। गुटनिरपेक्ष उस टाइम पे हमारी ज़रूरत थी, गुटनिरपेक्षता ने हमारी बहुत मदद की, इसकी वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय फैसले अपने पक्ष में ले सके, गुटनिरपेक्षता ने हमें बहुत बेनिफिट पहुँचाया, ये सारी चीज़ आप जानते हो। अब बात ये कह रहा है कि शीतयुद्ध खत्म हो गया, चलो शीतयुद्ध खत्म, अब गुटनिरपेक्षता की क्या जरूरत है? तो हम बोलेंगे भाई अभी भी ये प्रासंगिक है, यानी अभी भी ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गुटनिरपेक्षता की वजह से बहुत सारे देश एक संगठन में बंद पाए थे। अगर ये संगठन आज भी ऐसा ही रहता है और आज भी ऐसे ही काम करता है, एक तो ये सब क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं,
एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सभी मिलकर गठबंधन बनाएंगे तो एक मजबूत मतलब ताकतवर गठबंधन बन सकता है, जो अमेरिका जैसे देश को हो सकता है कि भविष्य में कभी टक्कर दे सके। आपसी व्यापार बढ़ाएंगे, आपसी समझौते करेंगे, संधियां करेंगे तो बेनिफिट होगा। तो ये सारे पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसकी महत्वता खत्म हो गई है, हम ये बोलेंगे हो सकता है कि इसकी महत्वता थोड़ी कम हुई हो, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म नहीं हुई है बिल्कुल भी, आज भी इम्पोर्टेंट है ये। और इसके बाद उत्तर साम्यवादी रूस के साथ भारत के बदलते संबंधों का विश्लेषण करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया है इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। अब देखो यहाँ पे ना ऐसे, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि सोवियत संघ था उस टाइम पे, भारत के सोवियत संघ से कैसे संबंध थे ये हम जान चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद जो रूस है, रूस के साथ भारत के कैसे संबंध है, हमें इसे बताना है। तो मैं इसे पहले मिटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, मैं लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। मैंने कुछ लिखा है आपके सामने कि जो साम्यवादी देश थे सोवियत संघ वाले, उन सभी देशों से, ज़्यादातर देशों से भारत के अच्छे संबंध थे, ठीक है। लेकिन बात करें अगर हम रूस से, तो रूस के साथ भारत के गहरे संबंध थे, और ये जो संबंध थे ये सिर्फ संबंध नहीं बल्कि आपसी विश्वास भाईचारे वाले संबंध थे। आपने ये पढ़ा होगा उसमें बुक में कि जो हिंदी फिल्में हैं हमारी, उसके जो नायक है, जैसे कि हीरो जो हमारे राज कपूर होते हैं, अमिताभ बच्चन है, वो पूर्व सोवियत संघ में और ये जो रूस के गणराज्य रूस में और अन्य गणराज्यों में घर घर में जाने जाते थे, यानी हमारी संस्कृति और कहीं ना कहीं उनसे मैच करती थी, वो इस चीज़ को पसंद करते थे। और रूस और भारत का दोनों का सपना था बहुध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब जहाँ पे एक महाशक्ति हो उसका वर्चस्व, दो ध्रुवीय विश्व का मतलब जहाँ दो महाशक्तियों हो उनका वर्चस्व, बहुध्रुवीय विश्व का सपना था हमारा। बहुध्रुवीय का मतलब होता है दोस्तों, बहुध्रुवीय का मतलब जहाँ पे बहुत सारे देश ताकतवर हों, यानी सभी देश आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, ताकतवर हों, सब अपनी मर्जी के मालिक हों, किसी से मतलब कोई दबाव ना हो किसी का, सब एक दूसरे की मदद करें। भारत और रूस ऐसा चाहते थे। फिर भारत और रूस के बीच में व्यापार संबंध भी बहुत अच्छे थे, जैसे कि क्या भारत रूस से क्या खरीदता था, हथियार खरीदता था, और ये हमें मतलब ये भी एक बहुत बड़ी मदद है कि रूस ने अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी जो थी भारत को दी। और आपको पता होगा कि 2001 में भारत के 80 द्विपक्षीय समझौता हुए थे, किससे हुए थे, भारत और रूस के संबंधों में, बता रहा हूँ मैं आपको, ये भारत के रूस से 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। और आपको पता है कि भारत ने हमारे कश्मीर मामले में, जब भी रूस ने हमारे कश्मीर मामले में हमेशा से यूएनओ में भारत के पक्ष में फैसला दिया है, यानी कि हमेशा भारत के पक्ष में रहता है कश्मीर के मामले में, कौन, रूस, सोवियत संघ, जब सोवियत संघ था तब सोवियत संघ और जब रूस है तब रूस, हमेशा। इसके बाद फिर बहुत सारे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचना आदान प्रदान और हमारे जो मतलब रॉकेट वगैरह ऐसे जो काम होते हैं सैटेलाइट वगैरह, उसमें इसने मदद करी है, साइंस टेक्नोलॉजी में मदद करी है, हर तरह से भारत की मदद करी है। तो ये हो जाएंगे भारत और रूस के संबंध। ये तो दोस्तों आपको खुद करना है, ये है आपके लिए होमवर्क। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इसका PDF, वहाँ से आप इसको PDF डाउनलोड करो और PDF में आप अच्छे से अपने उसमें पढ़ो क्वेश्चन को बहुत डीपली, और फिर आप इसके आंसर दो, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा पढ़ना होगा हमें और फिर समझाना होगा, टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद करो, क्योंकि मैं जो बता दूंगा ना, मान लो मैं आपको ये बता देता हूँ तो सेम आएगा ही नहीं पेपर में, ये जो होगा ये हमेशा अलग आएगा, रिपीट कभी नहीं होगा, ये जो होता है हमारा जो पैराग्राफ होता है कभी रिपीट नहीं होगा, तो कोई बताने का फ़ायदा नहीं, आपको करना अपने आप ही पड़ेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ नीचे वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण और कृषि विकास के संबंध में विवाद में दिए गए मुख्य तर्क। हाँ, पता है क्या बात हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का था उसमें उद्योग में ध्यान दिया गया था, तो इसमें कुछ विवाद थे। विवाद क्या थे दोस्तों, विवाद कुछ इस प्रकार से थे, देखो मैं आपको बताता हूँ ये सारे, एक सेकंड। अब देखो बात ये थी कि स्वतंत्रता मिल चुकी थी देश को, आजाद देश हो चुका था, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। अब इसमें विवाद हो रहा था कि कुछ कहते थे कि कृषि को ज़्यादा ध्यान दो तब भारत डेवलप होगा, तो कुछ कहते थे उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दो
तब भारत डेवलप होगा। तो एक समस्या ये थी। फिर अनेक लोग ये कहते थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सारा ध्यान उद्योगों पे दे दिया, कृषि पे तो ध्यान दिया ही नहीं, इसलिए देश पिछड़ रहा है। ऐसा कहते थे लोग, कहते थे कि विकास की रणनीति तभी बनाई जा सकती है जब मतलब अच्छे तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाए। जैसे जेसी कुमारप्पा थे, एक गांधीवादी नेता थे, अर्थशास्त्री, उन्होंने तो ये कहा था कि हमें कोई वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का मतलब कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए। चौधरी चरण सिंह थे हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो किसान थे, वो कहते थे कि कृषि को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये समस्या थी और यही सारी चीज़ें थी। फिर एक समस्या ये थी, पहली पंचवर्षीय योजना में ये बोला गया था धीरे धीरे से विकास करना चाहिए, इसमें बोला था तेजी से विकास करना चाहिए। तो हमें कैसे विकास करना है ये। इसके बाद पता क्या था, देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अशिक्षा और ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये था कि मतलब विकास की योजनाएं चला रहे हैं लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। गरीबी वैसी की वैसी थी, अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा सुधार आ नहीं रहा था, ये सब चीज़ें थी। और फिर बात चल रही थी भाई कैसी अर्थव्यवस्था अपनाएं। कोई कह रहा था कि पूंजीवाद को अपनाना चाहिए, कोई कह रहा था कि समाजवाद को अपनाना चाहिए, कुछ इस तरीके के विवाद भी थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, 34वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन छूट गया, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व, मैक्सिको की एक दलीय व्यवस्था में क्या अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ क्या था। देखो कुछ देश जैसे कि यहाँ पे पहले मैं रब करता हूँ, देखो कुछ देश ऐसे थे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैक्सिको हो जाएगा, या फिर मैं सबसे बढ़िया आपको एग्जाम्पल देता हूँ सोवियत संघ का। सोवियत संघ का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। सोवियत संघ में क्या था, एक ही पार्टी का शासन था, एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी शासन कर सकती है। ऐसा ही कुछ मैक्सिको का हाल था, एक ही पार्टी को शासन का अधिकार था, कोई दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। ठीक है, मैक्सिको में भी एक ही पार्टी का शासन रहा और उसका वर्चस्व रहा। ऐसे ही ये जैसे सोवियत संघ हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारे देशों में ऐसा था जहाँ पे एक ही पार्टी का वर्चस्व था। लेकिन भारत में और इसमें डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है ये देखो। भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, इसमें से कांग्रेस भी है, इसमें से बीजेपी भी है, और मैं ये दो ही पार्टी का नाम ले रहा हूँ, बाकी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस का प्रभुत्व था, भारत में भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। अगर हम देखें पिछले 60-70 सालों में सबसे ज़्यादा जो राज किया है वो कांग्रेस ने किया है देश में, सबसे बड़ी जो सत्ता जो संभाली है वो कांग्रेस ने संभाली है। तो यानी कि भारत में भी एक ही पार्टी का वर्चस्व है कांग्रेस का, और मैक्सिको और इन देशों में भी एक ही पार्टी का वर्चस्व है। लेकिन डिफरेंस नहीं समझे आप, डिफरेंस आपको ये समझना है कि भारत में कम से कम बीजेपी तो है, भारत में कम से कम और पार्टियाँ तो हैं, भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, सैकड़ों पार्टियाँ भारत में जिनके तो हमने नाम तक नहीं सुने। लेकिन यहाँ पे वो पार्टियाँ थी ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी थी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यानी यहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही पार्टी को शासन करना था, लेकिन भारत में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब तक बहुमत मिल रहा है कांग्रेस को तब तक कांग्रेस है, जब तक बीजेपी को मिल रहा है बीजेपी को, और हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस और बीजेपी को बहुमत ना मिले, किसी और पार्टी को मिल जाए, उसकी सरकार बन सकती है, हो सकता है ना। तो ये अंतर था। डिटेल के लिए आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो आप सेकंड जो चैप्टर है उसकी वीडियो देख लो, मैंने वहां बताया है, आप वहां से देख सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन आगे। 34वां क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, और इसका राजनीति में क्या उद्देश्य वगैरह रणनीति क्या थी, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा एक नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी है, और इस नदी को बचाने के लिए आंदोलन चला था। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा था कि इस पे बांध बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, तो इससे जो वहां के लोग थे वो दुखी हो गए, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। विरोध कर दिया तो यहीं पे बात आ जाती है कि भाई विरोध क्यों किया, क्योंकि बांध बनने से ना हजारों गांव डूब सकते थे, डूब जाते, लाखों लोगों को विस्थापन होना पड़ता, यानी एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता, बेरोजगार हो जाते लाखों लोग। ठीक है, बेरोजगार हो जाते, उनका घर बार छिन जाता, विस्थापित हो जाते। ठीक है,
और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता। तो ये सारे नुकसान थे इसके। नर्मदा, नर्मदा जो नदी थी वो तीन राज्यों से गुजरती थी। वो तीन राज्यों के नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, अगर आप असली तैयारी करते हो तो। कमेंट बॉक्स में ये है इस वीडियो में से क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा। दो क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, तीसरा मुझे आपको इसका जवाब दो मुझे कि कौन कौन से राज्यों से ये गुजरती है। ठीक है, तो ये जो था ये था, इसी को लेकर विवाद हो गया था भाई। और जो आंदोलन चलाया था वो चलाया था मेधा पाटेकर, आपने देखा होगा मेधा पाटेकर। और अभी जो आती रहती है ये न्यूज़ में, अभी भी आती रहती है, आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, इस पार्टी से भी मेधा पाटेकर जुड़ गई थी, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गई, क्योंकि मेधा पाटेकर जो है वो एक समाज सेविका है। ठीक है, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे हुआ, हजारों लाखों लोग, पत्रकार, पर्यावरणवाद, मतलब हर कोई इनके समर्थन में आ गया। आंदोलन बहुत तगड़ा चला, बात पहुंची वहां पे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा कि जब इन हजारों लोगों को पहले सरकार रहने के लिए घर दे, इनको सुविधाएं दे, उसके बाद ये कर सकती है। तो केस जीते थे ये, इनको फायदा हुआ था। तो ये था, ठीक है, इससे ये सारे नुकसान हैं। अगर हम बात करें इससे फायदे क्या होंगे, बांध बनाने से फायदे क्या होंगे, तो इससे भाई बिजली बनाई जा सकेगी, बिजली उपलब्ध होगी, बांध बनाकर पानी को रोका जा सकता है, कल को कहीं पे पानी देना है तो वहां से पानी भेजा जा सकता है आगे। ठीक है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और यही कुछ बेनिफिट थे, बहुत सारी परियोजनाएं थी, सरदार सरोवर परियोजना वगैरह ये सब। तो इसीलिए राजनीतिक मुद्दा था, बहुत ज्यादा था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ डीपली। और डीपली जानना चाहते हो तो चैप्टर में जाओ, जन आंदोलन वाला चैप्टर है, और वहां जाके बिल्कुल अच्छे से समझो, देखो और इसे पढ़ो। क्वेश्चन है अगला, 1989 के कठिन मुकाबले में अनेक संघर्षों के बावजूद मुख्य दलों के बीच एक सहमति उभरती जान पड़ती है, इस सहमति के किन्हीं तीन बिंदुओं को बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक ही बार मुझे, मतलब कई बार रिपीट आंसर बताने पड़ रहे हैं। ये मैंने आपको बताया है आंसर, चार चीजों पे सहमति थी, इसमें से इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कोई तीन बिंदु पूछे, तो मैं आपको वो तीन बिंदु बता देता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, तो नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद देश का विकास, ऐसा कहा गया था नई आर्थिक नीति को अपनाने से देश का विकास हो पाएगा, तो एक इस बात पे सभी सहमत थे। दूसरा बात है कि आपको पता है हमारे यहाँ पे ना पिछड़ी जातियाँ, और उनके साथ गलत होता था, राजनीति में उनका कोई खास हिस्सा नहीं था, दबदबा नहीं था, इन सारी बातों को लेकर। तो इसमें ये कहा गया था कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो मतलब बात करें अगर हम पिछड़ी जातियों की, ठीक है, जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको राजनीति में, सरकारी नौकरियों में और बाकी जगह पे आरक्षण की बात की गई थी, तो इस बात पे सभी सहमत थे। तीसरा पॉइंट, हमसे तीन पूछे हैं तो तीसरे पॉइंट की भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये था कि देश में प्रांतीय दलों, यानी जो मतलब हमारे लोकल पार्टियां नहीं होती, लोकल पार्टी की जगह मैं एक वर्ड लिखता हूँ, क्षेत्रीय पार्टी, इसको क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं, जो मतलब जो कोई खास बहुमत नहीं होता, जिनको किसी राज्य तक ही सीमित रहती हैं, ऐसी पार्टियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की बात की गई थी। ठीक है, चौथी जो थी, चौथी जैसे चौथा विचार था वो ये था कि मतलब पता है हर पार्टी की अपनी विचारधारा थी, कांग्रेस अलग विचारधारा के लिए जानी जाती है, बीजेपी अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा के लिए जानी जाती थी, यानी हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती थी। तो यहां मना कर दिया गया था विचारधारा की, विचारधारा छोड़ो, कार्य सिद्धि पे जोड़ दो, यानी कि कुछ करके दिखाओ, विचारधारा धरी की धरी रह जाती है, कुछ काम करके दिखाओ, जनता की भलाई के लिए कुछ करके दिखाओ। तो ये था दोस्तों, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो क्वेश्चन। 1975 के आपातकाल में उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों के किन्हीं तीन तीन बिंदुओं का वर्णन करना है। आप देखो यहाँ पे हमें कुछ राज्य दिखाए गए हैं, जैसे कि बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, ए ये जो नॉर्थ ईस्ट में ये ए है, बी देखो ये है यूपी में, एफ जो है ये पंजाब, ई जो है यह राजस्थान, डी जो है यह है मध्य प्रदेश, और ये जो है सी कर्नाटक। तो ये कुछ राज्य दिखाए गए हैं, अब हमें ये तो देख तो लिया हमने। अच्छा, ये 1967 के चुनाव की बात चल रही है यहाँ पे, तो देखो ये सारे क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन क्या है हम ये देख लेते हैं। कह रहा है कि दो राज्य जहाँ कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और उन्होंने सरकार बनाई,
हमको ये बताना है, ऐसे कौन से दो राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी? एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर सेट करते वक्त, पीपीटी बनाते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये जो क्वेश्चन है, तभी मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, ये जो इतना क्वेश्चन में है अपना, ये क्वेश्चन अलग है ठीक है, और ये जो मैप वाला क्वेश्चन है ये अलग है। तो आप इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको मैप ही करवा देता हूँ। मैप में ये 1967 के चुनाव, क्योंकि पता था ना यहाँ पे आपातकाल की बात चल रही है और यहाँ पे 67 है, तो पावर पॉइंट पे ये काम करते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पर आप समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये मैप है, इसके आंसर बता देते हैं आपको। कह रहा है कि दो राज्य, हमें दो राज्य ऐसे बताने हैं पहले में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, तो इसका आंसर है सी और डी। सी है, ये है कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह थी मैसूर, और डी है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश को हम एमपी ही बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यानी कर्नाटक में मैसूर जो था और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दो राज्य जहां कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों की भूमिका गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण थी। आपको बताया था ना 7+2 राज्यों से चली गई थी, 7 राज्यों में तो बहुमत ही नहीं मिला बेचारी कांग्रेस को, और 2 राज्यों में तो वो जीत गए लेकिन जीतने के बाद छोड़ गए पार्टी को, इसलिए से चले गए, तो ऐसा हुआ था। तो 2 राज्य जहां पे कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों की भूमिका थी, हमें थोड़ा सा ये बताना है। तो दूसरे का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये वाला बी और एफ। एफ इधर है, यानी कि इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो लिख दिया ना, इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है समझने में, अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले का आंसर जो था, पहले का आंसर है मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये हो गया पहले का आंसर, एमपी और कर्नाटका ठीक है। दूसरे का आंसर जो था अभी हमने पढ़ा है बी और एफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यूपी एंड ये हो जाएगा हमारा पंजाब, तो दूसरे का आंसर हम लिख सकते हैं यूपी में हुआ था ऐसा और पंजाब में हुआ था। तीसरा है कि एक राज्य जहां कांग्रेस पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, परंतु उसने दूसरे दलों की सहायता से यानी गठबंधन से अपनी सरकार बना ली, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक राज्य जहां पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, तो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी पंजाब में, तो पंजाब जो है वो 2 का आंसर है, इसके आंसर में भी पंजाब ही आएगा, तो आप इसको कर सकते हैं ठीक है। ये हो गया, अब बात कर लेते हैं ये जो अलग क्वेश्चन था अपना जो मैंने अभी आप बताया था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उसके कारण भारत के लोकतंत्र में कुछ कमजोरियां, कमजोरी और ताकत, इनके बारे में बताना है, क्या कमजोरी और क्या ताकत है सामने आई है। तो दोस्तों देखो इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे 676 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ठीक है। तो मैं पहले आपको इसकी बता देता हूँ कमजोरियां, यानी कि 676, यहाँ पे जगह भी नहीं है लिखने की, मैं आपको थोड़ी सी जगह बताता हूँ, 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ये भी कमजोरी है कि मतलब विपक्ष बचा ही नहीं। दूसरा क्या है कि प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, यानी प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी, ये भी हमारे लोकतंत्र की कमजोरी ही है, क्योंकि लोकतंत्र में तो प्रेस स्वतंत्र होती है, लेकिन वहां पे इन्होंने सेंसरशिप लगा दी, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कमजोरी। फिर प्रधानमंत्री के जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, वो किसी भी राजनीतिक पद में नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती की उन्होंने उन्होंने क्या करा, जबरन लोगों की नसबंदी करवा दी ठीक है, जबरन लोगों की नसबंदी करवाई उन्होंने। और इसके बाद क्या था कि और वो वहाँ पे जो बस्तियाँ थी, गंदी बस्तियाँ जिसको बोलते हैं झुग्गी वगैरह, उन्होंने झुग्गी वगैरह तोड़वा दी, लोगों को बेघर कर दिया ठीक है, ये सब करा इन्होंने। ये सारा क्या है, ये लोकतंत्र के खिलाफ था, लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। लाखों लोगों को मतलब जो जेलों में डाला गया, हजारों लोगों को परेशान किया गया, निवारक नजरबंदी शक के आधार पे किया गया, ये सारा गलत। तो दोस्तों ये लोकतंत्र की कमजोरियां बताता है। अब यहाँ पे एक चीज ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसने ये भी कहा है कि लोकतंत्र की कमजोरियां तो है, उसके साथ साथ ताकत भी पूछा है। आप यहाँ पे देखो ताकत, तो
तो इस ताकत को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको इतनी सी जगह में लिखने का प्रयास करता हूँ, आप समझना इसे थोड़ा। ताकत में क्या है दोस्तों, लोगों को पता है, लोगों को ये पता लग गया इस आपातकाल से कि उनके अधिकार क्या है, ठीक है। उसके बाद एक मजबूत व्यवस्था आई, जैसे कि अब सरकार बिना मतलब में ये बोलकर कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी है आपातकाल नहीं लगा सकती। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए, लोगों में जागरूकता आई, ठीक है। और लोगों ने क्या करा, लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट दिया 1977 के चुनाव में और इंदिरा गांधी की पार्टी को हरा दिया। ये भी एक लोकतंत्र की ताकत है कि जनता के साथ गलत करा सरकार ने तो सरकार को उसका फल मिला, जनता ने गलत करा उनको वोट देकर, वोट ना देकर बल्कि उनको हरा दिया, तो ये ताकत में कह सकते हैं हम। तो दोस्तों हो गया हमारा ये जो यहाँ तक था, आगे चलते हैं। अब ये कुछ दृष्टिहीन बच्चों वाले क्वेश्चन थे, मैंने ये भी ले लिए, आप इनको पढ़ना थोड़ा सा समझ जाना। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने राज्यों से सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो 9 राज्य थे, 7+2। ऐसे 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां कांग्रेस पार्टी दल बदल के कारण नहीं बना सकी। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऐसे 2 राज्य जहां कांग्रेस, ये कौन सा बताया था, यूपी और पंजाब, याद आ रहा है आपको मैप में, तो वही क्वेश्चन देखो यहां पे दोबारा से रिपीटेड है, यूपी एंड पंजाब बता सकते हैं। आया राम गया राम जैसे जुमले का अभिप्राय क्या है, एक आदमी था, एक नेता था, वो एक ही दिन में 9 बार पार्टियां बदल ली थी उसने, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो इसी वहीं से जुमला बन गया था आया राम गया राम। उस राज्य का नाम लिखिए जो 1967 में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, तो पंजाब में बनी थी, हमने ये भी बता दिया। तो दोस्तों यहां से हमारा जो वीडियो था खत्म हो गया है, और लंबा वीडियो बनाया एक घंटे से ज्यादा, तो दोस्तों इतनी मेहनत लगी है तो ऐसे में एक सब्सक्राइब तो बनता ही, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मुश्किल से क्वेश्चन पेपर ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं और उनके आंसर आपको अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहा हूं, और इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो एक कमेंट तो बनता ही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में कि अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर करो आप हमारी वीडियो, ताकि सभी को इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।